वह कुछ ऐसा जो है लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है इस थीम के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इस थीम के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना ऐसा ही मोर थीम्स के लिए, MIUI अपडेट्स के लिए। तो फिलहाल के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैंने इस थीम को इसलिए चूज़ किया कि इसका जो लॉक स्क्रीन वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा एनिमेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो वॉलपेपर जो आपको बिल्कुल 3D टाइप में जो है देखने को मिलता है। आपने देखा वो ट्रांसफॉर्मेशन मूवी वगैरह जो आप देखते होगे, तो उस टाइप में जो हमें लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है एंड इसका वॉलपेपर देखने को मिलता है, जो कि 3D लुक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लुक देता है आपके फ़ोन के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन में जो कितना बेटर एनिमेशन आपको देखने को मिल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन मूवी अगर आपने देखा हो तो कुछ ऐसा जो है कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से जो है एनिमेशन हमें देखने को मिल रहा है कुछ उस स्टेप में। तो काफ़ी लोग आप में से ट्रांसफॉर्मेशन मूवी देखे होंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्टिमस प्राइम वगैरह जो भी ऐसा नाम हमें देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसा जो है UI लुक देखने को मिलता है, ऐप आइकन कुछ ऐसा देखने को मिलता है इसके अंदर ब्लू टाइप में, जो आपको लाइट ब्लू कलर में जो आपको देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन पैनल देख सकते हो ट्रांसपेरेंट है एंड इसके अंदर जो आपको बैक के अंदर जो आपको ऑप्टिमस प्राइम देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको ब्लैक एंड ब्लू का जो कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है गाइस इस थीम के अंदर। सेटिंग्स पे जाते हो तो कुछ ऐसा जो हमें ट्रांसपेरेंट लुक देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट जो है सभी जगह आपको ट्रांसपेरेंट लुक देखने को मिल जाता है इस थीम के अंदर। तो काफ़ी अच्छा थीम है भाई, यहाँ पर सभी जगह जो आपको ऑप्टिमस प्राइम देखने को मिलेगा जो ट्रांसफॉर्मर्स मूवी है। तो कुछ ऐसा जो है लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है भाई, काफ़ी जो है यूनिक लुक देता है आपके Xiaomi फ़ोन को, Redmi फ़ोन को और Poco फ़ोन को। तो आप इस थीम को ट्राई कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ों की बात करें तो गाइस चार्जिंग एनिमेशन में जो आपको थोड़े बहुत इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, ऐप एनिमेशन आपको सभी देखने को मिलेगा। डायलर अगर आपका गूगल का है वो चेंज नहीं होगा, अदरवाइज अगर आपका MIUI का डायलर तो आपको चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर ये जो है गूगल का डायलर है इसीलिए जो चेंज नहीं हो रहा है इसका डायलर, तो डायलर भी जो आपको ट्रांसपेरेंट ही देखने को मिलेगा अगर आपका MIUI का डायलर है। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया वो है इसका लॉक स्क्रीन। मैं काफ़ी दिनों से इस थीम को यूज़ कर रहा हूँ, भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसके अंदर जो आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है। बेसिकली जो है लॉक स्क्रीन काफ़ी अच्छा है इसके अंदर, आप जो है इसको ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा थीम है भाई। एंड डाउनलोड लिंक भी जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली डायरेक्ट आप जो है थीम स्टोर ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो बाकी कुछ भी थीम्स के अंदर नहीं है उतना खास जो है, बाकी जो लॉक स्क्रीन वो काफ़ी अच्छा है, आपको सेटिंग्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन पैनल वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो इस थीम को आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीनशॉट आप साइड में, थीम का नाम आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली थीम स्टोर ऐप से। तो फिलहाल के लिए यही था गाइस आपके लिए वीडियो, थीम पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मोर थीम्स के लिए, वीडियो को लाइक कर देना। MIUI अपडेट्स भी काफ़ी सारे आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।